जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैपस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा करेंगे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का शिफ्ट तीसरा 1/12/2021 हिंदी के 25 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ये हिंदी के 25 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें शुद्ध वर्तनी पहले क्वेश्चन में बताना है। पहला विकल्प है लालसा, दूसरा चोरित, तीसरा सौतमित और डी है मत्स्य। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चोरित। इसमें बताना है वर्तनी शब्द, इसमें बी वाला चोरित सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा? बी वाला चोरित सही हो जाएगा। और ए वाला दिया है लालसा। इसमें ये गलत क्यों है? क्योंकि इस लालसा जो है इस तरह रहता है, ये लालसा ऐसे रहता है, ये वाला सही होगा। और वो जो दिया है वो गलत दिया है। और उसमें दिया है मत्स्य नहीं होता, क्या होता है? मत्स्य होता है, ये मत्स्य, ये वाला सही होता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार बी उत्तर सही होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आंखों से परे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आंखों से परे। पहला विकल्प दिया है बहुत दूर, और दूसरा दिया है कि प्रत्यक्ष, और तीसरा है परोक्ष, और डी है चौथा निकट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा सी परोक्ष। दूसरे वाला क्या हो जाएगा? सी कौन सा है? परोक्ष, ये वाला सही हो जाएगा दूसरे का। और तीसरा प्रश्न है वर्तनी शब्द पहचानिए, शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। इसमें आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार और आविष्कार, इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई, क्या है? आविष्कार, ये वाला सही हो जाएगा आपका आविष्कार। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है कि रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें उपयुक्त विकल्प बताना है जो रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करें। ठीक है, इसमें प्रश्न है अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हो, अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जोड़ते हो। ठीक है, इसमें पहला विकल्प है क्या जोड़ते हो, कुछ जगह पे क्या रहेगा? फोड़ते हो, करते हो, जोड़ते हो, मरते हो। इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही होगा, जोड़ते हो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? मरते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम बताना है, अंधकार का विलोम बताना है। पहला विकल्प है प्रकाश, दूसरा है सूर्योदय, तीसरा है उजाला और चौथा है कालिमा। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? ए वाला क्या है? प्रकाश, अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। और कुछ लोग इसमें लगा देंगे उजाला, अंधेरा का विलोम उजाला होता है, और सूर्योदय का विलोम क्या होता है? सूर्यास्त होता है। अगला देखते हैं, इसमें दिया है समानार्थी शब्द बताना है, रंक का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है वीरांगना, दूसरा है दरिद्र और तीसरा है राजा, चौथा है रक्त। नहीं, रंग का समानार्थी पूछा है ना, रंग का समानार्थी दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, रंग का समानार्थी दरिद्र, बी वाला। लेकिन रंग का अगर विलोम पूछेगा, रंग का विलोम राजा होता है। ठीक है, आगे दिया है भाड़ झोंकने मुहावरे का अर्थ बताना है। अगला क्वेश्चन है भाड़ झोंकने मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इस पहला दिया है समय व्यर्थ होना, और दूसरा है गालियां देना, तीसरा है बहुत श्रम करना और चौथा है हमला करना। भार झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ए समय व्यर्थ करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए समय व्यर्थ करना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें दिया डॉट डॉट करके उस जगह पे भरना है, विकल्प दिया है रिक्त स्थान भरना, क्या उसके पास डॉट डॉट धन है। पहला है ए प्राप्त, दूसरा है उपयुक्त और तीसरा है अतल और डी है पर्याप्त। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उसके पास धन पर्याप्त है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पर्याप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि जो बोल्ड शब्द है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं का विकल्प चुनना। ठीक है, सो दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूसरा है दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, तीसरा है दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, चौथा है दूरभाष यंत्र पर कर सकते। ठीक है, इसमें किसी माध्यम का उपयोग हुआ है, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी दूरभाष यंत्र द्वारा प्रयोग करते हैं, माध्यम है इसलिए द्वारा लगेगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
इसमें क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। क्या है, शस्त्र प्रहरी डॉट डॉट की रक्षा कर रहे थे, ठीक है। इसमें कोश कुल कोश कोश, ठीक है। इसमें कौन सा विकल्प, प्रश्न के अनुसार विकल्प क्या सही हो जाएगा, विकल्प डी क्या हो जाएगा, कोश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धन, और ये इसका कोश का मतलब क्या होता है, दूरी। जो लोग कहते हैं यहां से कितना कोश है, ये दूरी, इस कोश का मतलब दूरी होता है, और इस कोश का मतलब क्या होता है, आवरण, सामान रखने की चीजें जो है उसको आवरण या कहते, ठीक है। ये हो गया सामान रखने का पात्र, आवरण, आवरण, ठीक है, ये आवरण रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है कि मुहावरे का अर्थ बताना है, मुट्ठी गर्म करना, ठीक है, मुट्ठी गर्म करना। ए विकल्प दिया है रिश्वत देना, बी बहुत परेशान करना, सी किसी को भड़काना, डी बुरी तरह पीटना। इस विकल्प ये जो मुट्ठी गर्म करना, विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए रिश्वत देना, क्या हो जाएगा, रिश्वत देना, विकल्प ए सही हो जाएगा, रिश्वत देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या दिया है, इसमें भी अगला दिया है रिक्त स्थान को भरना, ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान पे भरना है। क्या दिया है, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिप की डॉट डॉट से सुरक्षित करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प है सहायता, दूसरा कृपा, तीसरा दया, चौथा प्रेरणा। इस प्रश्न के अनुसार विकल्प ए सही हो जाएगा, ए क्या, सहायता। इसमें क्या रहेगा, सहायता रहेगा कि भाषा की अभिव्यक्त विचार लिप की सहायता से सुरक्षित करते हैं, ठीक है। ये कृपा दया प्राणी ये सजीव के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें समानार्थी शब्द बताना है, सरस्वती का समानार्थी शब्द बताना है। पहला विकल्प है धवल, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है सूची, और चौथा है कांता, ठीक है। इसमें सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ब्रह्मी, ठीक है। ये कौन सा विकल्प है, बी, ये समानार्थी शब्द क्या हो गया, बी वाला सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले क्वेश्चन यह है कि इसमें त्रुटि बताना, ठीक है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है, इसे बताना, ठीक है। इसमें त्रुटि क्या है कि हिंदी ही रहेगा नहीं, अगर हिंदी रहेगी तब सही होता है, इसमें गलती क्या है, हिंदी ही रहेगा, ठीक है। इसलिए कौन सा गलत हो जाएगा, डी वाला। इसमें कौन सा विकल्प सही है, डी, डी वाला सही है, क्योंकि इसमें गलत है, वो रहेगी रहता तो सही रहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें भी वही है कि उपयुक्त का प्रतिस्थापित करना, ठीक है, बोल्ड शब्द जो दिया उसको प्रतिस्थापित करना है। तो मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आकांक्षा की जगह पे क्या रहेगा, इच्छा, बी वासना, सी कामना, डी आराधना, ठीक है। तो यहां कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी, मैं आपके सुख जीवन की कामना करता हूं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी, ठीक है। किसी के क्या आ जाएगा, सी कामना सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या भोग करना उचित हो, इसका वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। पहला दिया है भोग्य, दूसरा भजन, तीसरा भोजन, और चौथा भुक्ति, ठीक है। इसका कौन सही हो जाएगा, ए भोग्य, कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में दिया है कि इसमें भी त्रुटि बताना है, क्या है, क्या यह केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका, ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। अगर दिया रहता यहां केवल तो विकल्प, तब ये वाक्य सही रहता, लेकिन दिया है केवल यहां, तो ये केवल यहां दो पुस्तक रखी है, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये है कि उसमें गद्यांश दिया है उसको भरना, ठीक है। तो पांच क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि चिकित्सा डॉट डॉट के क्षेत्र में काफी, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, पहला दिया है संगीत, दूसरा कला, तीसरा विज्ञान, चौथा साहित्य। इस प्रश्न के अनुसार जो है वहां पे डॉट डॉट की जगह पे क्या रहेगा, विज्ञान, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही जगह, ठीक है। गद्यांश के लिए जो है अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान बताना, ठीक है, उपयुक्त शब्द बताना है। इसमें क्या दिया है कि हाँ, क्षेत्र में काफी डॉट डॉट करके दिया है, हुई है, यहां क्या रहेगा, पहला दिया है विषमता, बी प्रगति, और सी भ्रमणशील, डी गिरावट, ठीक है। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी, बी क्या हो जाएगा, प्रगति, ठीक है, क्या हो जाएगा,
क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना। गद्यांश वाला तीसरा है, सर्वाधिक उपयुक्त बताना है शब्द कि अनेक डॉट डॉट बीमारियां से छुटकर, अनेक डॉट 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 की जगह बताना। ठीक है, पहला है आसान, दूसरा है सरल, तीसरा है आकर्षक और चौथा है जानलेवा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अनेक जानलेवा बीमारी। ठीक है, तो विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जानलेवा। अगला है चौथा, गद्यांश के लिए रिक्त स्थान। ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त बताना है या यहाँ पे भरना है उसने डॉट डॉट को सुंदर। ठीक है, उसने डॉट डॉट की जगह भरना है तो क्या हो जाएगा? पहला विकल्प दिया डॉक्टर, दूसरा कर्मचारी, तीसरा क्या है अस्पताल, तीसरा चौथा जीवन। तो उसके उसने जीवन को सुंदर। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी वाला। प्रश्न के अनुसार विकल्प डी गद्यांश का चौथा। अब ये गद्यांश का पांचवा और हिंदी का ये प्रीवियस ईयर का लास्ट 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी गद्यांश वाला है। गद्यांश के रिक्त स्थान पांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहां पर रहेगा सुंदर और डॉट डॉट बना दिया। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सुंदर और पहला विकल्प है छोटा, दूसरा लघु, तीसरा कल्याणशील और चौथा क्या है दीर्घ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? को सुंदर और दीर्घ बना दिया। कौन सा विकल्प सही होगा? डी वाला। क्या बना दिया? दीर्घ बना दिया। ठीक है, ये हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।